सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP फोटो एडिटिंग। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग कर दिखाने वाले। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी PNG का मतलब यूज़ किया गया है वो सभी PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें फ़ोन का स्क्रीन ओपन करना है, उसके बाद हमें पिकार्ट ओपन कर देना है। पिकार्ट ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ऑल फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे, ये हमारे पिकार्ट में ऐड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और फिर से हम दूसरा PNG ऐड कर लेंगे। ये वाला PNG हम ऐड कर लेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ फिर दूसरा PNG ऐड कर लेंगे। सो हम मॉडल का PNG ऐड कर लेंगे, सॉरी, ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम मॉडल का PNG ऐड कर लेंगे। ये वाला PNG हम ऐड कर लेंगे और इसे हम रिमूव कर लेंगे। इरेज, ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको हम इरेज करेंगे। तो इसके लिए इरेजर पे क्लिक करेंगे। इरेजर पे क्लिक करने के बाद इसका साइज हम कम कर देंगे, हार्डनेस जैसा वैसा रहने देंगे, उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। सो हम इसे फटाफट इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये हो गया हमारा इरेज। अब टिक वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये हम इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे इसे हम। हमारा इसे हम हल्का से जूम कर लेंगे, इसे परफेक्ट सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टिक वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, और इसे हम यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस ये हमारा, कंट्रास्ट भी हम प्लस की तरफ रखेंगे, और ये हमारा क्लियरिटी। क्लियरिटी हमारा इतना ही रहेगा, सेचुरेशन भी हमारा प्लस की साइड रहेगा। ये हो गया। उसके बाद हमारा यू को हम कुछ नहीं करेंगे। हाइलाइट्स हमारा प्लस की साइड रहेगा। उसके बाद शैडो भी हमारा प्लस की साइड रहेगा। टेम्परेचर भी हमारा प्लस की साइड रहेगा। ये हो गया हमारा फिक्स। उसके बाद टिक वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और फिर से हम दूसरा PNG ऐड कर लेंगे इसमें।
ये लैपटॉप का PNG हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से एक जगह हम इसे फिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसे हम हल्का सा ये हमारा हो गया फिक्स। उसके बाद टिक वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे और फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दूसरा PNG हम ऐड करेंगे। ये वाला PNG हम ऐड कर लिए। उसके बाद हम इसे भी यहाँ पर हम सेट कर देंगे लैपटॉप में। इन सभी PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद हम टिक वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर से हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दूसरा PNG ऐड कर लेंगे। डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ से हम ये बुक वाला PNG हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो गया फिक्स बुक। उसको टिक वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, फिर से हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे। डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला PNG ऐड कर लेंगे और इसे भी हम एक जगह हम फिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये भी हमारा हो गया फिक्स। उसके बाद हम टिक वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और फिर से हम दूसरा PNG ऐड कर लेंगे। इन दोनों का PNG हम ऐड कर लेंगे, ये रहा, और इसको हम फिक्स कर लेंगे। इसे हम स्मॉल कर देते हैं साइज, हमारा ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, परफेक्ट सेट हो चुका है। इसको जूम कर लेंगे। इसके बाद हम टिक वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा फ़ोटो हो गया है एडिट होकर तैयार, देख सकते हैं। उसके बाद हम इस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन दोनों में से कोई वीडियो को अपडेट